गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास इलेवन हिंदी मीडियम सब्जेक्ट केमिस्ट्री और हमारा टॉपिक है आज का बेंजीन की रासायनिक गुणधर्म। पिछले पार्ट में हमने बेंजीन के बारे में पढ़ा था, उसके भौतिक गुणधर्म पढ़े थे और बनाने की क्रिया पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे कि बेंजीन जो है किस पदार्थ से क्रिया करके क्या बनाता है। तो इनको रासायनिक गुणधर्म बोला जाता है, जिसमें हम फर्स्ट रासायनिक गुणधर्म की बात कर रहे हैं नाइट्रीकरण। देखिए नाइट्रीकरण का मतलब ये हो गया, सीधी सी बात है कि नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करवानी है। किसके साथ क्रिया करवानी है? नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करवानी है। किसकी करवानी है? बेंजीन के गुणधर्म पढ़ रहे हैं तो बेंजीन की करवानी है। तो देखो अभिक्रिया कैसे निकली है, हमको कैसे उसको लिखना है, अगर हम भूल गए, अगर हमें याद नहीं है तो कैसे बनाए अभिक्रिया। कि बेंजीन के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं, अर्थात हमें यहाँ बेंजीन लेना है, H2SO4
इसको मिला के हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे, ये गर्म, ये गर्म करने का साइन है टेल। यहां से H2O निकल गया, निकल गया इसको, तो ये HSO3 आगे जुड़ जाएगा यहां पे, तो क्या हो जाएगा ये HSO3H। ठीक है, साथ में क्या निकला H2O। अगेन बात समझे, देखो HSO3 मैंने क्रियात्मक समूह की टेबल दिखाई दी आपको, याद नहीं कर पाया था, उसमें दो नंबर पे ये लिखा हुआ है HSO4 सल्फोनिक अम्ल, और इसका दूसरा नंबर क्या होता है सल्फोनिक अम्ल होता है, तो ये हो गया आपका सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या नाम हो गया इसका, बेंजीन, क्योंकि ये तो क्रियात्मक समूह है ना, क्रियात्मक समूह तो अनुलग्न के रूप में आता है, लास्ट में लगेगा, तो सल्फोनिक अम्ल। आगे बात समझे, तो ये दो इसके रासायनिक गुणधर्म आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट गुणधर्म है 3 नंबर, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, अब देखिए हैलोजनीकरण का मतलब क्या है, हैलोजनीकरण यानी कि हैलोजन का संयोग, हैलोजन आएगा यहां पे, हैलोजन जुड़ेगा किससे, बेंजीन से, किससे, बेंजीन से जुड़ेगा, है कि नहीं, तो देखो हैलोजनीकरण, हैलोजन कौन होते हैं, F, Cl, Br, I, अब जिसमें F तो क्या होता है बहुत कम क्रियाशील होता है, तो जनरली हम F को नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपको ध्यान नहीं है कि कौन सा हैलोजन ले तो आप जनरली क्या करोगे Cl या Br लेना, क्योंकि ये मोस्टली सभी रिएक्शन में काम आते हैं, तो इनमें से कोई सा ले लेना, आसानी से क्रिया कर लेते हैं। तो ये ले लिया आपने बेंजीन, ये ले लिया आपने बेंजीन रिंग, ये हाइड्रोजन, और इसकी क्रिया हैलोजन Cl2 ले लेता हूं मैं, Cl2 ले लूं, तो Cl2 को मैंने लिख दिया Cl2 ऐसे Cl, और ये काम होता है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में। तो अब यहां से देखो क्या निकल गया HCl निकल गया, ठीक है, और Cl आगे जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये बन गया बेंजीन, और ये Cl जुड़ गया, ये HCl साथ में निकला, तो ये क्लोरो बेंजीन हो गया, इसका ये क्लोरो ये बेंजीन, तो क्लोरो बेंजीन। अगली बात समझ लें, इसमें एक और अभिक्रिया है, मैं आपको बता देता हूं, आपको हैलोजनीकरण नहीं आती है क्लोरो, क्योंकि हैलोजन का ही संयोग होता है Cl का संयोग होता है, परंतु सभी हाइड्रोजन निकल जाते हैं, छह वहां पे छह हाइड्रोजन है, देखो यहां पे मैं दूसरी अभिक्रिया बताने जा रहा हूं आपको, ये बेंजीन, बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H6, तो हाइड्रोजन कितने छह है, सभी कॉलम पे हाइड्रोजन है, यहां पे एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे छह हाइड्रोजन है, ठीक है, तो सभी हाइड्रोजन को निकालना है मेरे को, जब एक हाइड्रोजन को निकालने के लिए मैंने 2 Cl दिए, तो 6 हाइड्रोजन को निकालने के लिए मैं कितने Cl दूंगा, 12 दूंगा कि अर्थात 6Cl2, 6 अणु दूंगा, 12 क्लोरीन यानी कि 6 अणु क्लोरीन की, 6 × 12। आगे बात समझे, ये काम होता है निर्जल AlCl3, निर्जल का मतलब है बिना जल के, यानी कि सूखा, ड्राई AlCl3 की उपस्थिति में, ये 12 Cl है ना, तो 6 Cl, एक इसको ले जाएगा, एक इसको ले जाएगा, एक इसको, एक इसको, एक इसको ले जाएगा, तो क्या निकल जाएगा 6HCl निकल जाएगा नहीं, और 6Cl जो है एक Cl यहां चले जाएगा, यहां 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 सब जगह Cl जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, जैसे इसमें जुड़ा ना ये, वैसे यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, और सब जगह से HCl निकलेगा, तो ये आ जाएगा Cl, 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 Cl,
HCl और Cl, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया छह है ये, छह को क्या बोलेंगे, हेक्सा क्लोरो बेंजीन। अगली बात समझे, तो ये हो गया इसका हलोजनीकरण। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया है, नेक्स्ट गुणधर्म हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको कल क्लास में देखने को मिलेगी। कितना नंबर है, फोर नंबर। चौथा गुणधर्म है फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया देखिए, फ्रिडल क्राफ्ट वैज्ञानिक नाम के आधार पर यह अभिक्रिया है, जो भी वैज्ञानिक नाम के आधार पर अभिक्रिया होती है मोस्टली इंपॉर्टेंट ही है। तो फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया में होता क्या है, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन जो है ना, ये बेंजीन है, इसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाते हैं। एल्किल हैलाइड जैसे कि मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। तो मैं यहां पे मेथिल क्लोराइड ले लेता हूं, मेथिल क्लोराइड का मतलब हो गया CH3Cl, ये मेथिल क्लोराइड है, तो मैंने ये ले लिया प्लस ClCH3 उल्टा ले लिया। ठीक है, अब यहां से हमें पता चल रहा है HCl निकल जाएगा, ये काम होता है निर्जल निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में काम होता है। तो यहां से आप ऐसे निकाल दो, ये आप ऐसे निकल गया, तो क्या बन गया, ये बेंजीन के CH3 आगे जुड़ गया, ये लीजिए मेथिल बेंजीन बोल दो, या तो या इसका साधारण नाम है टालुइन, टालुइन। अगे बात समझे, इसी प्रकार से आप यहाँ पे एथिल भी ले सकते हो, एथिल लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2CH3, एथिल यही तो होता है, अरे भाई ये CH3CH2Cl, ठीक है, क्लोरोएथेन हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2CH3, वो ये पूरा पूरा आगे यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एथिल बेंजीन हो जाएगा। आगे बात समझे, ठीक है, तो ये ब्रिटल क्राफ्ट रिएक्शन है, उतार लो। नेक्स्ट अभिक्रिया है हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजनीकरण मतलब क्या, हाइड्रोजन का संयोग है नहीं, तो यहां पे बेंजीन की क्रिया जो है हाइड्रोजन से करवाई, ये बेंजीन है, इसकी क्रिया आपने हाइड्रोजन से करवाई, मैंने यहां पे तीन H2 आपने बोर्ड पर बोर्ड भी साफ कर दिया, आपने लिख दी जगह यहां पे जैसे बोर्ड बना दिया आपने डबल बोर्ड, ये भी बेंजीन है ना, ठीक है, और सभी जगह पे एक हाइड्रोजन है, अब इसकी क्रिया अपन ने करवाई 3H2, यानी 6 हाइड्रोजन चाहिए अपन को, और ये काम होता है उच्च दाब और निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकल उत्प्रेरक और ताप भी उच्च होना चाहिए, दाब भी उच्च होना चाहिए। तो अब देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये यू हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो गया ब्रेक, तो सभी जगह सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, एक एक हाइड्रोजन तो पहले से था, एक एक हाइड्रोजन आप आगे छोड़ जाएगा, जो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, देखो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो आधा यहां पे आया, आधा यहां पे आया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ आप यहां, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ आप यहां, एक हाइड्रोजन पहले से था, पहले वाला हाइड्रोजन ये रहा, अब वाला ये रहा, पहले वाला ये रहा, अब आगे आएंगे, आगे बात समझे, तो ये साइक्लोहेक्सेन बन गया कि नहीं बन गया, ये तो बेंजीन है और ये हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन जिसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता है, छह कार्बन होते हैं परंतु डबल बॉन्ड नहीं होता है, तो ये बेंजीन से अपन ने क्या बना लिया, ये बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन मतलब ये, इसको ऐसे भी लिखते हैं पर ओनली ऐसे बस, इसमें कोई डबल बॉन्ड कोई गोला नहीं होता है, ये साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। सर देखो एक रिएक्शन और देख लीजिए, छह नंबर दहन, दहन दहन बोले तो बेंजीन का, बेंजीन को जलाएं, दहन करें उसका, तो दहन तो आप जानते हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है, किसी भी पदार्थ को जलाएं।
ऑक्सीजन के नहीं चलेगा, ठीक है कि नहीं। और जनरली जो है दहन करते हैं किसी भी चीज का तो क्या बनता है, CO2 बनता है और जल का अणु बनता है, ऊर्जा निकलती है। तो देखिए ये बेंजीन ले लिया C6H6, ठीक है, क्या ले लिया बेंजीन, और इसका दहन करेंगे ऑक्सीजन के साथ में। तो यहां पे मुझे ऑक्सीजन के जो है 15 ऑक्सीजन चाहिए। अब 15 ऑक्सीजन कैसे ले, अगर O2 होता फॉर्मूला तो ऑक्सीजन का आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑक्सीजन जो है द्विपरमाणु पर है, ये हमेशा ही वहां आएगा O2 के रूप में। तो यहां अगर मैं 15 लगाता हूं तो 15 × 2 = 30 हो जाएगा, मेरे को तो 15 ही चाहिए, 15 × 2 = 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं 2 से भाग लगा तो 15 आ जाएगा कि नहीं 30 का। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 30 का आधा यानी 15 ऑक्सीजन परमाणु है, कितने ऑक्सीजन परमाणु है 15 ऑक्सीजन परमाणु। आगे बात होती है, तो अब इसका दहन कर दिया आपने, तो दहन किया तो 6 कार्बन है अर्थात 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और जल के हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो जल कितने बनेगा 3H2O, ये बनेगा, तीन अणु बनेंगे 3H2 6 हो गया ना O, प्लस ऊर्जा निकलती है इसमें एंथैल्पी, ऊर्जा ऊर्जा का मान माइनस होता है, ठीक है, यहां पे जो ऊर्जा निकलती है उसका। तो अब आपको समझ में आ गया ये इसका दहन हो गया। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है 15 वाला सिस्टम, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं, आप इसके दो अणु ले लो बेंजीन के, कितने अणु ले लो दो, देखो दो अणु ले लिया, तो आप अब आप ये हटा दो, अब आप डायरेक्ट 15 ले लो इसके आगे, यानी अब हमें 30 की जरूरत पड़ेगी, एक अणु में 15 की जरूरत पड़ी तो दो अणु कितने की पड़ेगी 20 की, तो अब बटा करने की जरूरत नहीं है आपको, 15 और 2 ले लो कोई दिक्कत नहीं, 15 ऑक्सीजन के अणु, तो फिर ये क्या होगा 12 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहां पे दो अणु लेते 6×2 = 12, तो ये कितना हो जाएगा 6×2 = 12, 12 तो 6 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते, ठीक है, ऐसे भी कर सकते। तो ये बेंजीन के रासायनिक गुणधर्म थे, कौन से गुणधर्म थे, ये रासायनिक गुणधर्म। आगे बात समझ में आई, ठीक है, उदाहरण